लगातार खबरें आ रही हैं कि कपिल का नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा बंद हो गया है और कपिल के शो की जगह कॉमेडी सर्कस शो के हेड विपुल शाह एक बार फिर अपना नया कॉमेडी शो ला सकते हैं। लेकिन अभी तक ना ही सोनी टीवी की तरफ से और ना ही कपिल शर्मा की तरफ से कोई शो बंद करने को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। लेकिन हम आपको जो सच बता रहे हैं उससे आपको निराशा जरूर होगी, लेकिन इसके साथ ही कपिल के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। दरअसल हेल्थ और हाल ही की कुछ घटनाओं से कपिल काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। लगातार ऐसी घटनाओं से कपिल का मनोबल भी टूट गया है। इसकी वजह से वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। इसी दबाव से उनकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही है। कीकू शारदा ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वो और कपिल अब शूटिंग नहीं कर रहे हैं। कीकू ने कहा कि कपिल को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि उनकी सेहत में सुधार हो पाए। लेकिन इस बीच कीकू ने यह भी कहा कि लोगों को हमारे नए शो का फॉर्मेट पसंद नहीं आया। अब हम जब भी वापस आएंगे तो पुराने फॉर्मेट के साथ आएंगे। कीकू की इस बात का मतलब यही है कि कपिल अब कपिल शर्मा शो जैसे फॉर्मेट के साथ ही वापस आएंगे। हो सकता है कि कपिल का ये नया शो आने में 2-3 महीने का समय भी लग जाए, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि कपिल टीवी पर वापस आएंगे तो पुराने अंदाज में, और हो सकता है कि कपिल जल्द ही खुद आकर इस बात का ऐलान भी कर दें। आप कपिल को पुराने अवतार में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।